हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पोकेमोन स्ट्राइक यूनिवर्स में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हु इन्फर्नेपीस बेस्ट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो करते हैं शुरू। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पर नया आए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो इस सीरीज की नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट चेक कर लीजिए, उसमें आपको वो मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एस के इन्फर्नेप। तो एस का इन्फर्नेप हमें पोकेमोन डायमंड एंड पर्ल वाली सीरीज में दिखा था, जब पॉल ने चिमचार को पकड़ा था और वो पहले पॉल का पोकेमोन था। और पॉल ने उसे ये देखकर पकड़ा था कि उसने अपनी ब्लेज एबिलिटी ऑन की और उसने पूरे जेंगूस के एक ट्रुप को हरा दिया। तो पॉल को लगा कि ये बहुत ताकतवर चिमचार है, तो पॉल ने उसे इसलिए पकड़ लिया। लेकिन आगे चल के पॉल ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि पॉल ने उसे बस इसलिए पकड़ा था क्योंकि उसे उसकी ब्लेज एबिलिटी अच्छी लगी। लेकिन बाद में पॉल ने उसे छोड़ दिया तो एस ने उसे पकड़ा। और उसके बाद एस के साथ रहकर चिमचार और एस दोनों फ्रेंड हुए एक साथ। दोनों ने बहुत ट्रेनिंग की और उसके बाद एस का चिमचार धीरे धीरे मौन पढ़ने और उसके बाद इन्फर्नेप में विकसित हुआ। और इन्फर्नेप बनने के बाद तो इन्फर्नेप एक मैच भी नहीं हारा, बस फ्लिंट पे इन्फर्नेप को छुड़ाकर, बाकी उसने कोई मैच नहीं हारी, सबको ही हराया है। और चलिए अब बात कर लेते हैं फ्लिंट के इन्फर्नेप। तो फ्लिंट का इन्फर्नेप भी हमें पोकेमोन तीनों लीग विक्टर्स वाले सीरीज में दिखा था, जिसमें फ्लिंट से सबसे पहले हमें जब फ्लिंट दिखा तो वह बताया गया कि वो वॉकनर का फ्रेंड था और फ्लिंट एलीट फोर का में से एक मेंबर था जिसके पास उसका इन्फर्नेप था। उसका इन्फर्नेप की बात करें तो इन्फर्नेप बहुत ताकतवर है और बेस्ट इन्फर्नेप है, इसी के वजह से वो एलीट फोर में बना। और उसने अपनी कहानी भी बताई थी कि जब वो मॉनफर्नो था उसका चिमचार, तब उसने तीनों लीग जीती थी एक स्नो लैक्स को हराकर। और फिर धीरे धीरे वो लोग ट्रेंड करते करते अपने इन्फर्नेप को ट्रेंड करवा कर वो दोनों ही एलीट फोर के मेम्बर बन गए। और उसका इन्फर्नेप की वजह से वो दोनों एक साथ बहुत ताकतवर हैं। और अगर इन्फर्नेप फ्लिंट के पास ना होता तो शायद फ्लिंट भी एलीट फोर में से एक मेंबर नहीं होता। और फ्लिंट के इन्फर्नेप ने तो सिंथिया के गार्डियन से भी लड़ाई की है, भले वो मैच नहीं जीता लेकिन उसने लड़ाई की है। तो आज हम इन दोनों इन्फर्नेप के एक्सपीरियंस, मूव सेट और स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एस के इन्फर्नेप की। तो एस के इन्फर्नेप एक्सपीरियंस की बात करें तो उसे बहुत सारे बैटल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब वो पॉल के साथ था तभी भी उसने बहुत सारी बैटल लड़ी थी। उसने अर्थरिंग को हराया और उसने बहुत सारे ही पोकेमोन को हराया जो कि उससे ज़्यादा पावरफुल थे। और अपने तीन चार स्टेज में ही उसने अपने से बड़े बड़े पोकेमोन को हराया। और उसके बाद वो धीरे धीरे मौन पढ़ने विकसित हुआ जब लेक एक्टिविटी पर पॉल वर्सेस एस की मैच हुई थी, उसमें वो मौन पढ़ने में इवॉल्व हुआ और उसके इलेक्ट्रोबस को हरा नहीं पाया, लेकिन वो पॉल के आधे से ज़्यादा पोकेमोन को डिफीट कर चुका था। और फिर वैसे ही धीरे धीरे करते करते एक बार मॉनफर्नो इन्फर्नेप में विकसित हो गया एस का मॉनफर्नो, जब टीम रॉकेट तीनों को पकड़ने आई थी उसके पोकेमोन को एस टॉन और ब्रॉक के, वो एपिसोड आपने देखा होगा, तो उसमें एस का मॉनफर्नो इन्फर्नेप में विकसित हो गया। उसके बाद से हमने इन्फर्नेप से एक बैटल भी नहीं हारते देखी है सिवाय फ्लिंट के इन्फर्नेप से। तो इससे पता चलता है कि एस और फ्लिंट दोनों के इन्फर्नेप को बहुत सारा एक्सपीरियंस है मैच का। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फ्लिंट के इन्फर्नेप के एक्सपीरियंस की। तो फ्लिंट ने एस से पहले ही अपनी जर्नी शुरू कर दी थी, और जब एस समय एस जब छोटा था, एस छोटा ही होगा उस समय, और फ्लिंट उस समय एस जितना था, और तभी से उसने अपनी पोकेमोन जर्नी शुरू कर दी। और अब वो जाकर एलीट फोर बन चुका है और एस अब जा अभी ट्रेनिंग ही कर रहा है, अपनी जर्नी ही अभी सफ़र कर रहा है। अभी तक अलोलन लीग जीती है और ऐसे अभी तक सफ़र ही कर रहा था, तब तक फ्लिंट पोकेमोन मतलब तीनों लीग जीत चुका है। तो अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्लिंट के इन्फर्नेप को मैच का बहुत सारा एक्सपीरियंस है और उसने मैच काफ़ी लड़ी है मैच, क्योंकि उसने ऐसे पहले ही अपनी जर्नी शुरू कर दी थी और उसने बहुत पहले से ही अपने सारे विरोधियों को हराया है, तब तो जाकर वो एलीट फोर का मेंबर बना और इतना ताकतवर, क्योंकि उसने अपनी जर्नी बहुत पहले शुरू की और ट्रेनिंग भी वो बहुत दिन पहले से ही कर रहा था। इसलिए अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो दोनों में से एक्सपीरियंस का पॉइंट जाता है फ्लिंट के इन्फर्नेप के पास, क्योंकि फ्लिंट के इन्फर्नेप के पास
एक्सपीरियंस काफ़ी है एस के इनफर्नेप के मुकाबले। तो चलिए बात कर लेते हैं मूव सेट की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लिंट के इनफर्नेप के मूव सेट। तो फ्लिंट के इनफर्नेप को आता है फ्लेयर ब्लिक, थंडर पंच और फ्लेम थ्रोअर, क्लोज कॉम्बैट, ओवर हीट और मैथ पंच। तो इतने आते हैं फ्लिंट के इनफर्नेप को मूव। और बात कर लेते हैं अब एस के इनफर्नेप के मूव सेट के बारे में। तो एस के इनफर्नेप को आता है डिग, क्लोज डिग, मैच पंच, फ्लेयर ब्लिक, ओवर हीट, फ्लेम थ्रोअर और फायर स्प्रिंग, किक, स्क्रैच और एम्बर। तो अगर मूव सेट्स की बात करें तो एस के इनफर्नेप को जिससे ज़्यादा फ्लिंट के इनफर्नेप से ज़्यादा मूव्स आते हैं और अच्छे मूव्स भी हैं एस के इनफर्नेप के पास। तो मूव सेट्स का पॉइंट जाता है एस के इनफर्नेप से। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर की, जो कि स्ट्रेंथ और एबिलिटी। तो स्ट्रेंथ और एबिलिटी की बात करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं एस के इनफर्नेप के स्ट्रेंथ और एबिलिटी के बारे में। तो एस के इनफर्नेप स्ट्रेंथ और एबिलिटी की बात करें तो एस के इनफर्नेप को हमने देखा है कि उसने बहुत सारी मैचें लड़ी हैं एस के इनफर्नेप ने, और एस के इनफर्नेप हमेशा हर मैच में जीता है, बस वो एक ही मैच हारा था, ये मैंने आपको पहले बता दिया। और एस के इनफर्नेप, और अगर आपने ऐसी बैटल देखी होगी इलेक्ट्रोवायर वर्सेज इनफर्नेप, तो उसमें आपको पता होगा कि इनफर्नेप ने पूरी ताकत लगा दी थी अपने ब्लेज एबिलिटी ऑन करने के बाद, और उसने कितनी अच्छे से इलेक्ट्रोवायर को हराया और बॉल के आधा से ज़्यादा पोकेमॉन को उसी ने हराया। तो अगर स्ट्रेंथ और एबिलिटी की बात करें तो इनफर्नेप ने अभी तक बहुत मैचें लड़ी हैं और वो जीता भी है काफ़ी मैचों को, और एक बार अगर इनफर्नेप अपनी ब्लेज एबिलिटी को ऑन कर लेता है तो उसे हराना तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है और उसे कोई नहीं हरा सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फ्लिंट के इनफर्नेप की स्ट्रेंथ और एबिलिटी। तो फ्लिंट के इनफर्नेप की स्ट्रेंथ और एबिलिटी की बात करें तो जब वो बचपन में बच्चा था तब उसने वॉकनर को हराया, जो कि अब तीनों रीजन का बेस्ट टीम लीडर है, और उसके बाद वो ट्रेनिंग करने चला गया और ट्रेनिंग करने के बाद तीनों लीग पूरा जीता। और मॉन्फर्नो में जब उसका फ्लिंट का इनफर्नेप था तब उसने तीनों लीग का आखिरी बैटल एक स्मॉल डेस्क के साथ किया था जिसमें वो जीत गया, और उसने तीनों रीजन के चैंपियन सेंसिया से जो लड़ाई की है, क्योंकि तीनों रीजन की बेस्ट चैंपियन है और उसे हराना काफ़ी मुश्किल है, और उसने उसे टक्कर दिया इसके इनफर्नेप में फ्लिंट के। और अगर एलीट फोर की बात करें तो अगर फ्लिंट एलीट फोर इसलिए है क्योंकि उसने बहुत सारे ट्रेनर्स को हराया है। तो स्ट्रेंथ और एबिलिटी की बात करें तो स्ट्रेंथ और एबिलिटी में दोनों इनफर्नेप सेम, तो इन दोनों टाई हो जाता है, लेकिन हमें इन दोनों में से कोई एक बेस्ट चुनना है। तो अगर दोनों में कभी फाइट होती है तो इसमें से विनर होगा एस का इनफर्नेप, क्योंकि हमने अभी तक एस के इनफर्नेप को देखा है जब उसने फ्लिंट से इनफर्नेप से लड़ाई की थी, एस के इनफर्नेप को पूरा मौका नहीं मिला उसको ब्लेज एबिलिटी को ऑन करने का, लेकिन या अगर वो अपनी ब्लेज एबिलिटी ऑन कर फ्लिंट से इनफर्नेप से लड़ता तो मुझे नहीं लगता कि फ्लिंट का इनफर्नेप उसके सामने टिक पाता और उसे दो मिनट में फ्लिंट के इनफर्नेप को हरा देता। तो इसीलिए इस सीरीज का और इस एपिसोड का बेस्ट पोकेमॉन है एस का इनफर्नेप, क्योंकि एस का इनफर्नेप फ्लिंट के इनफर्नेप से ज़्यादा पावरफुल है। और चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपका फेवरेट पोकेमॉन कौन है। तो चलिए तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, और मेरा इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ आकर मुझे फॉलो कर सकते हैं।